नमस्ते दोस्तों, मेरे इस चैनल गुरु भक्ति में आप सभी का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप में से अधिकांश लोगों ने ऊपर दिए श्लोक को जरूर सुना होगा और इसे सुनकर आपके दिमाग में सिर्फ एक ही शख्सियत की छवि उभर कर आई होगी और वो होगी कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी की। जी हाँ दोस्तों, हम आज प्रदीप मिश्रा जी के शिव पुराण के कुछ उपायों के बारे में बताएंगे, तो जानने के लिए मेरा ये पूरा वीडियो आप देखना जरूर। आज हम बताएंगे कि मिश्रा जी अधिकतर शिव पुराण की कथा के माध्यम से लोगों को कुछ आसान से शिव पुराण के उपाय के बारे में बताते हैं, जो कि जीवन की कई समस्याओं का समाधान करने में कारगर भी सिद्ध होते हैं। जैसे पंडित मिश्रा अपनी हर कथा में भगवान शिव को हर दिन एक लोटा जल अर्पित करने को कहते हैं, वही वे शिव भक्तों शिव महापुराण के मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप करने के सलाह भी देते हैं। मिश्रा जी बताते हैं कि यह मंत्र बहुत ही प्रभावी मंत्र है। इसके जाप से जीवन की नामुमकिन समस्याओं से तो राहत मिलती ही है, साथ ही घर में भी सुख शांति आती है। वही कई जनश्रुतियों का तो यह भी मानना है कि इस मंत्र के जाप करने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और लोगों की मन वांछित इच्छाएं भी पूर्ण करते हैं। तो चलिए आज हम पंडित श्री मिश्रा जी के कुछ ऐसे ही उपाय के बारे में बताना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो से बने रहिए। इसी के साथ आप सबको प्रदीप मिश्रा जी का शिव पुराण का एक असरकारक उपाय बताएंगे। प्रदीप मिश्रा जी हमेशा अपनी कथा में कहते हैं, एक लोटा जल सभी समस्या का हल, यानी एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाने से मनुष्य की सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। इसके अलावा वे भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाना, भगवान शिव को जल अभिषेक करना तथा भगवान शिव को बिल्व पत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना आदि प्रकार के उपाय भी बताते हैं। इसके साथ ही गुरु जी का कहना है कि जो बिल्व पत्र भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है उसे फेंकना नहीं चाहिए, परंतु उसे खा लेना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। इसके अलावा पंडित मिश्रा जी का यह भी कहना है कि सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से ग्रह कलेश से पूरी तरह छुटकारा मिलता है। वही शिव पुराण के उपायों में एक उपाय यह भी है जिसमें सोमवार के दिन भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी उस व्यक्ति पर हमेशा बना रहता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी प्रकार की समस्याएं दूर करते हैं। आइए जानते हैं कि शिव पुराण में बिल्व पत्र की क्या महत्व है और बेल पत्र के उपाय से हम धन की प्राप्ति कैसे कर पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति धन प्राप्त करना चाहता है तो वह प्रदीप मिश्रा जी के इस शिव पुराण के उपाय को करके इस समस्या का निवारण कर सकता है। मिश्रा जी दावा करते हैं कि इस उपाय को करने से उस व्यक्ति को बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके लिए आपको सुबह जल्दी नहाकर बड़ी बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। धन की कमी के कारण आप जिस समस्याओं से जूझ रहे हैं उसका निराकरण जल्दी हो जाएगा। आपको पता ही होगा कि बेलव पत्र के बारे में पंडित मिश्रा जी ने बहुत सारे उपाय हमें बताए हैं। उसमें से एक है बेल पत्र के माध्यम से परीक्षा में पास होने के उपाय भी उसने बताए हैं। मिश्रा जी कहते हैं कि परीक्षा में पास होने के लिए एक बेल पत्र पर शहद लगा दीजिए और उस बेलपत्र को बच्चों की हाथ से शिवलिंग पर चिपका दीजिए। ऐसा करने से बच्चा परीक्षा में पास होने के साथ अच्छे नंबर भी ले आता है। अगर आप किसी गंभीर रोग से पीड़ित है तो प्रदीप मिश्रा जी का यह उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी है। इसके लिए आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे का एक पत्ता उठाकर उसके सामने शिव और शक्ति का नाम लेकर, यानी भगवान शंकर और पार्वती का नाम लेकर दो बाती का दीपक जलाए और शिव शक्ति से प्रार्थना करें कि शरीर से जुड़ी इस बीमारी को स्वस्थ करे और इस बेलपत्र को उठाकर उसी स्थान पर चबा ले और बेलपत्र खाने से पूर्व शिव शक्ति से यह आग्रह करे कि इस बेलपत्र को औषधि बनाए
ऐसा करने से आप जिस भी गंभीर रोग से ग्रसित है उसका निराकरण हो जाएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। अगर धन संबंधी समस्या है तो उसके लिए भी बेलपत्र के ही उपाय है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान है तो आपको प्रदीप मिश्रा का यह उपाय इस समस्या का निराकरण करेगा। इसके लिए आपको मंगलवार के दिन शिवलिंग पक्के चावल से ढकना है और उसके बाद उस पर सात बिली पत्र चढ़ा देना है। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी सारी समस्याएं दूर होगी और इसके साथ ही आपने जो भी कर्ज लिया है उससे भी मुक्ति मिलेगी।